नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शीघ्र शुरू होगी हवाई सेवा, एसी नहीं चलने पर बैंक में चोरी का पता चला, युवक ने खाया जहर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जल्द ही गोरखपुर से पुणे, गोवा, हिंडन व पटना के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो सकती है। विमान कंपनियों ने एयरपोर्ट प्रशासन से स्लॉट उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। अभी गोरखपुर से 7 शहरों के लिए रोजाना 13 उड़ानें होती हैं। उड़ान के क्षेत्र में कीर्तिमान बनने वाला गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, प्रयागराज और लखनऊ के लिए रोजाना उड़ान होती है। औसताना हर रोज 1500 से 2000 लोग सफर करते हैं। पर्यटकों के लिए टॉप 5 शहरों में शामिल गोवा के लिए उड़ान सेवा शुरू हो जाने से काफी राहत मिलेगी। दूसरी खबर, एसी बंद होने पर बैंक और पास रहने वाले व्यक्ति का एसी पाइप चोरी होने का खुलासा हुआ। तहसील थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गांधी बाग उद्योग के सामने एक्सिस बैंक की शाखा है। अवकाश होने के कारण शनिवार और रविवार को बैंक बंद था। सोमवार को सुबह 11 बजे शाखा प्रबंधक अल्पेश कुमार जोशी ने अपने कक्ष का एसी शुरू किया तो एसी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने मैकेनिक को बुलाया, तब पता चला कि बैंक के एसी का कॉपर पाइप किसी ने चुरा लिया है। इसी प्रकार चोर परिसर में रहने वाले रामचंद चावला नामक व्यक्ति के घर के एसी का कॉपर पाइप भी चुरा कर ले गए हैं। दोनों घटनाओं में कुल 1,13,000 रुपए का माल चोरी किया गया। अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। तीसरी खबर, उमरेड थाने से करीब 3 किलोमीटर दूर अहिरवार लेआउट परिसर में प्रेम प्रसंग के चलते बंडो श्री राम आदि नामक युवक ने जहर खा लिया। उमरेड पुलिस ने मामला दर्ज किया है। युवक की नागपुर में मेडिकल अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना 27 से 29 जुलाई के बीच हुई। पुलिस के अनुसार बंडू ने गत 27 जुलाई को शाम करीब 7 बजे रिश्तेदार की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग के चलने की अनबन होने पर जहरीली दवा खा ली। तबीयत खराब होने पर उसे ग्रामीण अस्पताल उमरेड में भर्ती किया गया। 29 जुलाई को सुबह करीब 8:56 पर उसे मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान सुबह करीब 10 बजे बंडू ने दम तोड़ दिया। उमरेड थाने में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।